छत्तीसगढ़ के जिला बालोद कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण करने के कुछ ही दिनों पश्चात अलग अंदाज में दिखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करने के लिए निकल पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर प्रवास के दौरान अंचल के विभिन्न मार्गों और ग्रामों का भ्रमण कर गाँव में ही रात्रि विश्राम करेंगे, जिससे कि जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के वास्तविक हालत का जायजा लेकर शासन की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया जा सके। और इस अभियान के पहले दिन कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ डोंडी लोहारा विकास खंड के ग्राम घीना में पहुंचकर गोठान, स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया और गोठान में संचालित आजीविका मूलक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। गोठान में पहुंचे ग्रामीणों से भी चर्चा की गई। कलेक्टर साहब जो आए हैं वो उनकी पहल बहुत ही अच्छा लगा हमको। कारण ये है कि एक तो ये प्रतिदिन सप्ताह में 5 दिन अपना जन दर्शन चला रहे हैं, इससे भीड़ भाड़ से बचत होगी। और एक महत्वपूर्ण बात उसने ये बताया कि सारे फाइल सारे कागजात का अवलोकन शाम को स्वयं करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये नए कलेक्टर साहब की सोच, इनका विचार, इनका पहल जो है आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आम जनता और सामान्य रूप से प्रशासन जो है वो आपस में जुड़ेंगे और निश्चित रूप से इसका फायदा जो है आम जनता को होगा ही। बार गर्भित बात उन्होंने कही पेंशनरों के संबंध में। खास करके पहले क्या होता था कि पेंशनरों को मिलने के लिए समय दिया जाता था, आज स्थिति परिवर्तित हुए सरीखे लगी। इसलिए कलेक्टर महोदय ने खुद एक सभा बुलवाई उन्होंने पेंशनरों की और प्रत्येक पेंशनरों से उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया, तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी काफ़ी हमको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, ये मैं समझता हूँ अपनी ओर से।